नमस्कार, पलपल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू अख्तर। लगातार लोकसभा चुनाव में ईवीएम पे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और सातवें चरण में पहुंचने से पहले ही पहले चरण से ईवीएम की नियत पर सवाल उठना शुरू हो गए थे और बीजेपी लगातार अपने पक्ष में ईवीएम को ही यूज करने के लिए, इस सत्ता में काबिज होने के लिए आखिरी दाव चलेगी, ये लगातार हर कोई कहता आ रहा है। विपक्ष ने भी अब अपना विरोध जताना इसमें शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के साथ कल सिद्धार्थनगर से एक खबर आ रही है कि स्ट्रॉन्ग बूथ से जब दो अनजान गाड़ियां डुमरिया सीट पर जो इलेक्शन हुआ है उस पर ईवीएम को भरकर ले जा रही थी, सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने जब हंगामा किया तो गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को रोकने के बाद जब सवाल किए गए तो अधिकारियों का कहना था कि ये वो ईवीएम मशीनें हैं जिसे यूज नहीं किया गया है। लेकिन जब बसपा के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि हम मीडिया को बुलाएंगे, तब उन्होंने उस गाड़ी को वापस भेज दिया और जो ईवीएम की चोरी के तौर पर कार्यकर्ता कह रहे थे, विरोध जता रहे थे और चौकीदार चोर है के नारे लगातार वहां पर लगाए गए, बहुत गहमा गहमी हुई, उसके बाद उन ईवीएम को अंदर वापस भेज दिया गया। मैं पूरी रिपोर्ट पे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डुमरियागंज लोकसभा के लिए सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर मंगलवार को कुछ स्थानीय लोगों और बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरी दो गाड़ियों को गेट पर रोक लिया और पूछताछ करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तीखी झड़प भी हुई। बाद में मीडिया के पहुंचने की चर्चा पर प्रशासन ने ईवीएम से भरी गाड़ियों को गेट के अंदर भेज दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन सत्ता के दबाव में ऐसा कर रहा है। यहां से मशीनें क्यों हटाई जा रही हैं, इसका सही जवाब कोई नहीं दे रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उन्हें मशीन शिफ्ट करनी थी तो उन्हें इस संबंध में क्यों नहीं जानकारी दी गई। इस मामले में एडीएम ने बताया कि ये मशीनें यूज में नहीं थी, इसलिए इसे दूसरी जगह रखने के लिए ले जा रहे थे। स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन निकालने से पहले प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के तहत उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर रविवार 12 मई को वोट डाले गए। छठे चरण में प्रदेश की 80 सीटों में से 14 संसदीय सीटों पर औसतन 54% मतदान हुआ, जबकि डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 52.29% वोट पड़े। हालांकि 2014 के चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग में कमी आई। पिछले चुनाव में यहां पर 53% मतदान हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल पर फिर दाव लगाया है। पाल के सामने सपा बसपा गठबंधन की तरफ से बसपा के आफताब आलम चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर चंद्रेश कुमार उपाध्याय को मैदान में उतारा है, तो इसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी, सबका दल यूनाइटेड, सोहेल देव, भारतीय जनता पार्टी, जनहित किसान पार्टी, पीस पार्टी, नागरिक एकता पार्टी और सिर्फ एक निर्दलीय चुनावी मैदान में है। आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। अब फिर से सवाल या निशान खड़ा हो गया है कि लगातार ईवीएम को ही क्यों भाजपा के मंत्री, भाजपा के अधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता ही ईवीएम के भरोसे क्यों हैं? क्यों जब राज्य में 5 साल में पूरा का पूरा राम राज्य था तो क्यों ईवीएम का मुंह देखना पड़ रहा है? क्यों ईवीएम को, चाहे 19 लाख की बात हो या स्ट्रांग बूथ से ईवीएम उठाने की बात हो या फिर ईवीएम के नाम पर लाखों ईवीएम खराब करने की बात हो, जब आपने काम किया था तो ईवीएम का इस तरह से इस्तेमाल क्यों? ये पूरी तरह से लोकतंत्र के उस ढांचे का मजाक है जहां पर देश की जनता
चुनने के अधिकार के लिए अपना अधिकार का यूज करती है और देश में उन लोगों को चुन के लाती है जो उनका प्रतिनिधित्व करें, उनके हक की बात करें। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से बीजेपी के मनमानी चल रही है ईवीएम को लेकर, उनका जो पूरी तरह से सिनेरियो देखने को मिला है, वो सत्ता में भी उसी के चलते काबिज भी हुए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक और परेशानी वाला सवाल ये बनता है कि ईवीएम पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी है। ईवीएम पर सवालिया निशान पहले चरण से ही लगना शुरू हो गए थे, लेकिन अब हम 7वें चरण की तरफ बढ़ गए हैं, उसके बाद भी ईवीएम पर लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि देश का भविष्य ईवीएम के हाथ में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि वो कम से कम ये ईवीएम पर के जो मसले हैं उसे खत्म करे और ईमानदारी से चुनने का अधिकार जनता के हाथ में छोड़े। क्योंकि इस सरकार ने, खासकर अगर हम योगी राज की बात करते हैं, तो योगी राज में पूरी तरह से इन्होंने राम राज्य को दिखाने की कोशिश की है, जहां पर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की गई है, सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं बढ़ा है तो यूपी में बढ़ा है। उसी के अलावा जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं हैं तो वो योगी राज में है। और पूरे भारत में जो महिला सुरक्षा की जो औसतन देखा जाता है वो बहुत ही नीचे आकर खड़ा हो गया है। और ये बीजेपी सरकार लगातार उन लोगों का साथ दे रही है जो महिलाओं के खिलाफ हैं, जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं, और उन्हीं के साथ साथ जब बात रोजगार की आती है तो ये कहीं मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं। तो यही दयनीय हालत हमारे देश में खड़ी हो गई है कि चुनने के अधिकार को इन बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं छीनना शुरू कर दिया है। उसी के साथ साथ सपा बसपा गठबंधन ने ये भी आरोप लगाए हैं कि ये पूरी तरह से उस कैप्चरिंग को जो ईवीएम पर वोटिंग हुई है उसे बदल कर अपने हक में वोट लाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी से इनका पूरी तरह से सफाया हो रहा है। और उसी सफाए के चलते ये डर गए हैं कि जिसकी यूपी नहीं है उसका देश नहीं हो सकता। ये बात हमारे देश के परिधान मंत्री पूरी तरह से समझ चुके हैं और उसी के चलते इन्होंने अब ओछी हरकत पे उतरना शुरू कर दिया है। और 6वें चरण तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आंसू बहाकर ये तो दिखा दिया था कि वो कितने मजबूर हैं। अब 7वें चरण में उनके पास दंगे के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, इसीलिए उन्होंने बंगाल को निशाना बनाया है। लेकिन जहां वो कोशिश कर रहे हैं वहां वो ये नहीं जानते कि ममता बनर्जी इतनी मजबूत महिला है कि वो गलत के सामने ना कभी झुकी है ना कभी झुकेंगी। और बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम पर जिस तरह से ये लोग मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत देर तक नहीं चल पाएगा। और सरकार जो 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद भाजपा वाले जो पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, उनकी विदाई देखना बहुत ही एक अच्छा अनुभव होगा। और इनको भी समझ में आना चाहिए कि तानाशाह के तौर पर देश नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है, चुनने का अधिकार जनता के हाथ में है और उनके हित के लिए काम करने वाले ही इस देश पे राज करेंगे। और फिर चाहे कोई भी जाति का, जाति धर्म और कोई भी इंसान हो, उसके हक के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, वरना आप इस सत्ता से उखाड़ फेंक दिए जाएंगे। जिस तरह से 23 तारीख को आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदाई होगी और पश्चिम बंगाल और ईवीएम को लेकर जिस तरह से ये ओछी हरकतों पे उतर आए हैं, इनका ये भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा। मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सच है क्या? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं।